और खबरों की शुरुआत करने से पहले इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर से आ रही है, जहां पर वैलेंटाइन डे के मौके पर एक प्रेमी युगल को सहारनपुर पुलिस ने जमकर पीटा है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इस प्रेमी युगल को पीटा है। सदर बाजार इलाके की एक घटना बताई जा रही है। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामे किया गया। आपको बता दें कि ये सभी लोग वैलेंटाइन डे के मौके पर वहां पर पहुंचे हुए थे, और इस बीच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जमकर हंगामा किया और वैलेंटाइन डे पर प्रेमी युगल की जमकर पिटाई की। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। थाना सदर बाजार इलाके की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। प्रेमी युगल की जमकर पिटाई की है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। सदर बाजार इलाके की एक घटना है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, वैलेंटाइन डे पर इस प्रेमी युगल की जमकर पिटाई की है। यूं तो तमाम हिंदू संगठन जो होते हैं वो वैलेंटाइन डे या अन्य किसी दिन पर इस तरह से पेश आते, लेकिन इसी पूरे मसले पर ताजा कड़ी जुड़ी है सहारनपुर की, जहां पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है, वैलेंटाइन डे पर प्रेमी युगल की जमकर पिटाई की है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। थाना सदर बाजार इलाके की यह घटना बताई जा रही है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, वैलेंटाइन डे पर एक प्रेमी युगल की जमकर पिटाई की गई है सहारनपुर में। तो सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रेमी युगल को जमकर पीटा गया है। सदर बाजार इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर प्रेमी युगल की पिटाई हुई। तो तमाम हिंदू संगठन जो है वो खासतौर पर इस दिन का विरोध करते रहते हैं, और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ठीक ऐसा किया भी है। सहारनपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है और वैलेंटाइन डे पर प्रेमी युगल की जमकर पिटाई की है। और हमारे संवाददाता सहारनपुर से विनोद कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या जानकारी है, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली रोड पर एक फाइव स्टार होटल के नाम से एक रेस्टोरेंट है, तो वहां पर एक युवक जो था दूसरे संप्रदाय से था, वो अपनी मौसी और बहन के साथ वहां मिठाई खरीदने के लिए गया था। पहले से ही जो बजरंग दल के लोग वहां युवक जो थे, वो आज वैलेंटाइन डे जो प्रेमी युगल मनाते हैं, उनको रोकने के लिए पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने पहले उस युवक का नाम पूछा, उसके बाद उसके साथ जो उन्होंने जबरदस्त जमकर उसके साथ मारपीट की, लेकिन जब तक पुलिस वो मौके पर पहुंची, जब तक उसकी पूरी तरीके से पिटाई कर चुकी थी। जी विनोद, लेकिन पिटाई की नौबत ही क्यों आई? क्या पुलिस या फिर लोग जो वहां पर मौजूद थे, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, वो क्या समझा नहीं सकते थे प्रेमी युगल को? जिस तरीके का हालात उत्तर प्रदेश में इस समय मौजूद है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर है, कानून के जो रखवाले हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। जिस तरीके से वैलेंटाइन डे था, आज सुरक्षा के खासे इंतजाम पुलिस को करना चाहिए, लेकिन इस तरीके का कोई भी इंतजाम पुलिस ने नहीं किया था। जिस तरीके के जो असंप्रदायिक लोग, जो बजरंग दल के जो लोग हैं जिन्होंने ये पिटाई की है, उनको रोका जा सके, लेकिन वहाँ पर मौजूद जिस तरीके से संख्या में ज्यादा होने की वजह से, लोगों की जो संख्या ज्यादा थी बजरंग दल की, इसीलिए उन्होंने उस युवक को वहाँ पर मारपीट कर दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें कि सहारनपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक प्रेमी युगल की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई की है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, वो वहां पर नहीं थे, जिसके चलते बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया